कैद कर दिया तो चूंकि सच्ची बात कहा था और सच्ची बात कहने के वजह से उसने कैद किया था, इस वजह से लोग बादशाह के पास आए कि बादशाह सलामत, इसने सच्ची बात कहा है और सच्ची बात कहने की वजह से आपको नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सच ही में निजात है, आप इसे माफ कर। हम तो बिल्कुल 100% खुश है, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, ना खुशी कोई बात नहीं है। हम लोग पहले से भी ये चाहते थे। और मदरसे में देखिए ऐसी बात, सबसे पहले बात ये जान लें कि आम तौर पे लोग मदरसे में ये समझते हैं कि सिर्फ अरबी और फारसी की दीनियात की पढ़ाई होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे में जहाँ अरबी की तालीम होती है वहीं पर हिंदी और अंग्रेजी की भी तालीम होती है, मैथ की भी तालीम होती है, लेकिन ये कि हमारे टीचर जिस NCERT की बात की जा रही है उस एतबार से निसाब भी नहीं है इस वक्त तक। तो जब निसाब वो लागू किया जाएगा तो उस एतबार किया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी साइंस की पढ़ाई पहले से नहीं होती है। हम सोचते हैं कि इसको पढ़ेंगे तो अब जो उर्दू अरबी फारसी वगैरह पढ़ते हैं उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या और कोई किताबें पढ़ें तो हमारा मुस्तकबिल और इससे बेहतर हो गया, उससे ज़्यादा हम लोग तालीम हासिल कर लेंगे। कितनी खुशी आपको, क्या मानते खुश होने वाली बात है जी? ये किसी को जो कोई नई चीज़ मिले तो जरूर कोई खुश होता है, तो हम लोग को भी ऐसा लग रहा है कि जब हमको और किताबें पढ़ाई जाए तो हम लोग को और ज़्यादा खुशी बढ़ रही है।